अमृतसर में एक सूटकेस में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना अमृतसर रेलवे स्टेशन की है, जहां जननायक एक्सप्रेस में सफाई के दौरान एक सूटकेस लावारिस हालत में मिला। सूटकेस में एक 28-29 साल के युवक का शव मिला है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जननायक एक्सप्रेस बिहार के दरभंगा से अमृतसर आती है, इसीलिए आरपीएफ ने शव की तस्वीरें पंजाब, हरियाणा और बिहार तक के सभी स्टेशनों पर भेज दी है। गया के वजीरगंज में एक लड़के ने एक लड़की पर चाकू से हमला कर दिया। जख्मी लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुरुआती जांच में लव ट्रायंगल का मामला बताया जा रहा है। लड़की रवि नाम के लड़के से प्यार करती थी। रवि ने बताया कि लड़की उसे हमेशा पैसे मांगती थी और वह उसकी मांग को पूरा करने के लिए पटना काम करने चला गया था। लड़की ने रवि को शादी की बात करने के लिए एक स्कूल में बुलाया था। इस बात की भनक लड़की के कथित दूसरे प्रेमी पुष्कर को लग गई। वो भी मौके पर पहुंच गया। लड़की को रवि के साथ देखकर आरोपी पुष्कर ने लड़की पर चाकू से हमला कर दिया। वारदात के बाद जख्मी लड़की को छोड़कर आरोपी पुष्कर के साथ रवि भागने लगा। मुंबई में कल्याण में पिस्तौल की नोक पर बियर बार में मुफ्त शराब मांगने की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। तस्वीरें 12 मई की हैं। रात 10:30 बजे वेटर अपने अपने काम में लगे हुए थे। काउंटर के सामने अचानक एक शख्स आता है। अपना हाथ काउंटर पर रखने के बाद 3 बियर की डिमांड करता है। काउंटर पर मौजूद शख्स पैसे की मांग करता है और जब ऐसा नहीं होता तो आरोपी शख्स बार में पिस्तौल तान देता है और फिर बियर की बोतल लेकर फरार हो जाता है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। सोनीपत में बदमाशों ने दिनदहाड़े कंपनी के कर्मचारियों से बंदूक की नोक पर 11 लाख रुपए लूट लिए। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। तस्वीर बहालगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया की है। कंपनी अपने कर्मचारियों को वेतन देने वाली थी। जैसे ही कर्मचारी केबिन में पहुंचे, हथियारबंद नकाबपोश बदमाश आदम के और कर्मचारियों को गोली मारकर रुपए लूटकर फरार हो गए। वारदात में 2 कर्मचारी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों को तलाश रही है। कन्नौज में कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंधक ने पत्नी की मौत के गम में खुद को गोली से उड़ा लिया। सत्यवीर सिंह नाम के स्कूल प्रबंधक ने स्कूल की शुरुआत की थी और उनकी पत्नी रश्मि स्कूल में प्रिंसिपल थी, लेकिन वो छत से गिरकर घायल हो गई थी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। उनकी मौत की खबर सुनकर पति ने मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स के सामने खुद पर लाइसेंस पिस्तौल से गोली चला ली। उन्हें गंभीर हालत में कानपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना से पूरे कन्नौज में सनसनी फैल गई है। हरियाणा के अंबाला में गुरु शिष्य के रिश्ते को दागदार करने का मामला सामने आया है। पुलिस की गिरफ्त में आए इस टीचर पर छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। राज्य बाल संरक्षण आयोग ने सख्ती दिखाते हुए आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने आरोपी टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हो जाएगा और सारी लीगल फॉर्मेलिटी सारी पूरी करा दी गई है। जिला प्रशासन को मैंने सूचित कर दिया, अपने नियमानुसार जो कार्रवाई है वो की है और उसके बाद जो भी रिपोर्ट हमें प्राप्त होगी हम उसके हिसाब से जो भी कार्रवाई बनती है हम करेंगे। मैंने कुछ नहीं करा, ये तो आरोप झूठे हैं सब। क्या कर रहे हैं, क्यों झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या मतलब है? पता नहीं सर, किसकी दुश्मनी है अभी। महाराष्ट्र के सांगली में मसूचीवाड़ी गांव की लड़कियों के स्कूल जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। गांव की लड़कियों को पास के बोरगांव में स्कूल जाना पड़ता है। जाते समय ज्यादातर रास्ता सुनसान होता है, लेकिन अगर बस छूट गई तो सुनसान रास्ते पर कुछ बदमाश और मनचले इन्हीं रास्तों पर बच्चियों को देखकर उन्हें देखते ही छेड़ने लगते हैं। वो न सिर्फ अश्लील हरकतें करते हैं बल्कि उनकी फोटो भी खींचते हैं। इस छेड़खानी से तंग आकर मसूचीवाड़ी गांव की लड़कियों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। गांव के लोगों ने कई बार पंचायत की शिकायतें की, पुलिस ने 3 लड़कों को पकड़ा भी, लेकिन ये गारंटी नहीं दे पा रही है कि फिर से ऐसा नहीं होगा। इसके बाद पंचायत ने भी सुरक्षा की गारंटी न होने पर वोट देने से इनकार कर दिया है। बोरगांव में जो स्कूल्स है उसमें हमारी बेटियों के दाखिले निकालेंगे, वहाँ पढ़ने नहीं देंगे। और दूसरा ठहराव यह है कि जो मतदान होता है उस पर हम सब बहिष्कार करते हैं और हमने पुलिस को भी तकरार दिया है। गाजियाबाद के पौश इलाके राजनगर इलाके में 3 मंजिला इमारत में आग लग गई। आग इमारत की पहली मंजिल और दूसरी मंजिल में लगी, इससे पूरी इमारत को नुकसान पहुंचा। आग बढ़ती देख एक शख्स ने इमारत की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी, जिसमें उसकी मौत हो गई, जबकि 4 लोगों की दम घुटने से मौत हुई है। हादसे में 3 फायरकर्मी भी घायल हुए हैं। वहीं हरिद्वार के बहादुराबाद में एक तेल के टैंकर में भीषण आग लग गई। आग इतनी ज्यादा थी कि उसने आसपास की दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लोगों ने आरोप लगाया कि फायर ब्रिगेड सूचना मिलने के काफी देर बाद पहुंची। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। गांधी जी के पोते कनु गांधी आजकल दिल्ली के ओल्ड एज होम में रहने को मजबूर हैं। कनु गांधी के साथ उनकी पत्नी शिवलक्ष्मी भी इसी ओल्ड एज होम में रह रही हैं। कनु भाई इससे पहले सूरत के एक वृद्धाश्रम में 6 महीने तक रहे।
कनू भाई को दिल्ली लेकर आए महात्मा गांधी के परिवार के करीबी परिमल भाई का कहना है कि कनू भाई गांधी जी के साथ आजादी की लड़ाई में काफी समय तक वो जुड़े रहे थे। गांधी जी की हत्या के समय कनू भाई 17 साल के थे। ऐसे में कनू गांधी को पूरा सम्मान और प्यार मिलना चाहिए, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल उन्हें सहारा नहीं दे रहा है, जो काफी दुख की बात है। गांधी जी की गोद में ये खेलते थे, गांधी जी इनको बहुत मानते थे। मुझे बता रहे थे अपनी बकरी का दूध गांधी जी इनको जरूर पिलाते थे। कस्तूरबा गांधी जो अपने बिस्तर में ये अपनी माँ के पास कम सोते थे, कस्तूरबा गांधी जी के साथ ज्यादा सोते थे। तो ऐसे व्यक्ति की सेवा करना ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव की वाटर डांस की तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें हैं पटना के पास बेहटा के एक वाटर पार्क। शनिवार को वाटर पार्क में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप को देखकर सब हैरान थे। तेज प्रताप लालू यादव के बड़े बेटे हैं और बिहार के स्वास्थ्य की सारी जिम्मेदारी इनके कंधों पर है, लेकिन ये दोस्तों के साथ मौज मस्ती में बिजी हैं। बिहार में कहीं पुलिस वालों को मारा जा रहा है तो कहीं पत्रकारों को, लेकिन फिर भी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को लगता है कि बिहार में माहौल एकदम शांत है। इसमें विरोधियों का चाल है, हमको तो जहां से लग रहा है कि विरोधियों का इसमें चाल है सरकार को महागठबंधन को बदनाम करने के लिए। कान फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने पहुंची ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी नई फिल्म सरबजीत को लेकर काफी खुश है। फिलहाल वो फिल्म के प्रचार में जुटी है।